झारखंड समाचार। झारखंड में पिछड़ों को नौकरियों में 50% आरक्षण देने की सिफारिश। राज्य सरकार अगर राजी हो तो झारखंड में पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में 36% आरक्षण मिल सकता है। झारखंड में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। झारखंड के रामगढ़ में छात्रवृत्ति घोटाला, रेवड़ी की तरह बांटी गई छात्रवृत्ति। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड क्षेत्र में बोंगा सोरी के फैजुल रज्जा मदरसे में छात्रवृत्ति में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। यहां 30-35 वर्षीय कई शादीशुदा महिला पुरुषों को 7वीं-8वीं कक्षा का छात्र बताकर छात्रवृत्ति दे दी गई है। अधिकारियों ने जब जांच हुआ तो इसका खुलासा हुआ, इससे अभिभावकों में भी नाराजगी है। पूर्व सरकार के सीएम, सीएस व अन्य अधिकारियों तथा ठेकेदारों की संपत्ति जब्त कर वसूली जाए एनजीटी के फाइनल की राशि। झामुमो ने एनजीटी द्वारा हाईकोर्ट और झारखंड विधानसभा के नए भवन पर पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए 130 करोड़ के दंड की राशि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा, तत्कालिक भवन एवं वन पर्यावरण के प्रधान सचिव सहित ठेकेदार की संपत्ति नीलाम कर वसूलने की मांग की है। अगर पैसा कम पड़ता है तो केंद्र सरकार से वसूलने की बात कही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बगैर इन्वायरमेंट और सोशल इंस्पेक्ट असेसमेंट के साथ साथ बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पीएम द्वारा उद्घाटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 2000 रुपये में राजस्थान भेजे जा रहे हैं झारखंड के बच्चे। हेमंत सोरेन ने डीसी और मंत्री को दिए कार्रवाई का निर्देश। झारखंड के पलामू जिलों में बाल श्रम कराने वाला गिरोह सक्रिय है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ट्वीट के जरिए यह बात आई है। तो उन्होंने तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जोभा मांझी को संज्ञान देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने पलामू के डीसी को टैग करते हुए लिखा है, बाल मजदूरी एक कलंक है जिसे आप हम सबको मिलकर खत्म करना है। सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी से 25 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 7 गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले के नक्सल प्रभावित गोपीकांदर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के लगी एक कंपनी के मुंशी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में बुधवार को पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लालू की किस्मत में क्या, केली, बंगला या जेल? झारखंड हाईकोर्ट में होगा फैसला, 11 सितंबर को सुनवाई संभव। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक बंगला में रहेंगे या होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जाएंगे, इस पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लालू को केली बंगला में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया गया है। आज इसकी सूचना जारी की गई है। जमशेदपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी मनमोहन प्रसाद को रांची का दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रसाद को रांची जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई है। गिरिडीह के कार्यपालक दंडाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड में नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ किया छल, रघुवर दास। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धीमी हुई आर्थिक गतिविधियों के बीच अपने प्रदेश वापस आए मजदूर ने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना प्रारंभ कर दिया है। रोजगार की तलाश में मजदूरों के महानगरों का रुख करने के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार की उदासीनता व वादा खिलाफी के पर सवाल उठाया है। विकास को गति देगी झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को सौंपे टास्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निर्देश दिया है कि विभागीय योजनाओं को, खासकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को तेज गति से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में जुट जाए। बुधवार की शाम उन्होंने कैबिनेट के सदस्यों संग इस पर देर तक मंत्रणा की और निर्देश दिया कि 15 लाख लोगों को अनुदान पर अनाज उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा योजना व रोजगार गारंटी योजना आदि का लाभ आम लोगों तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। CBSE के श्रेष्ठ शिक्षक में झारखंड के एक भी शिक्षक शामिल नहीं।
शिक्षा में अहम योगदान देने वाले देश विदेश के 39 शिक्षकों व प्राचार्यों को सीबीएसई सम्मानित करेगी। अलग अलग क्षेत्र के इन शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई ने शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी है, जिसमें झारखंड के किसी भी शिक्षकों का नाम शामिल नहीं है। इन शिक्षकों में सबसे ज्यादा 12 शिक्षक दिल्ली के हैं, जबकि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 3-3 शिक्षक चुने गए हैं, जबकि पंजाब से 2, चंडीगढ़ से 2, देश के बाहर मास्कर से 2 और मास्को से 1 शिक्षक इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। झारखंड के शिक्षक को आखिरी बार यह पुरस्कार 2014-15 में मिला था। अब खबर खेल से। अक्टूबर में भारतीय अंडर 17 महिला टीम शिविर की मेजबानी करेगा झारखंड। अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के लिए लगाए जाने वाले शिविर की मेजबानी करेगा। इस शिविर के 15 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशल दास ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। दास ने मीडिया से कहा, हमने शिविर के लिए झारखंड को चुना है। उन्होंने कहा है कि वे लड़कियों के शिविर का आयोजन करने चाहते थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरा समर्थन देने का वादा किया। ऐसी खबरें हैं कि सोरेन इस शिविर का आयोजन झारखंड में ही चाहते थे। कोरोना काल में परीक्षाएं कराए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की है नए गाइडलाइंस। तो आप भी जाने हैं क्या है आखिर नया गाइडलाइंस। कोरोना संक्रमण काल में परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। बता दें कि पिछले हफ्ते परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें अब कुछ संशोधन किया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी गाइडलाइंस में परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से लेकर परीक्षा कराने तक का तरीका बताया है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र में 2 लोग की सीट के बीच 6 फीट की दूरी होनी जरूरी है। सभी परीक्षार्थियों को फेस मास्क लगाना जरूरी है। परीक्षा केंद्र दाखिल होने के बाद थूकने पर पाबंदी होगी। सभी के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। परीक्षा नियंत्रक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जांच करेंगे। ऑनलाइन परीक्षाएं के बाद कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डेस्क सैनिटाइज करना जरूरी होगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कमरे में AC है तो सभी का तापमान 24 से 30 डिग्री होगा। परीक्षा कार्यक्रम की योजना क्रमबद्ध तरीके से बनाई जाएगी, ताकि परीक्षा केंद्र पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं होना चाहिए। संस्थानों में परीक्षा संचालक अधिकारियों या परीक्षा केंद्र को छात्रों और कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर, साबुन आदि की उचित व्यवस्था भी करनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से हाथों को साफ करने का थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सभा को संबोधित करेंगे 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में कनक्लेव को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 10 और 11 सितंबर को शिक्षा पर्व के एक भाग के रूप में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2020 को NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा के परिवर्तनकारी सुधार पर सभा में उद्घाटन भाषण दिया था। NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष के बाद घोषित किया गया है। NEP 2020 में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित औद्योगिक समाज बनाना है। इसमें भारत के केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है, जो भारत को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधी योगदान करेगा। जनता को मिली राहत की खबर। अब पोस्ट ऑफिस भी बनाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड। केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के जरिए एक बड़ी सुविधा दी है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इस सुविधा से आपकी भागदौड़ न के बराबर हो जाएगी और उपरोक्त चीजों के लिए आप पोस्ट ऑफिस में ही अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर में केंद्र और राज्य सरकार की आम जनों से जुड़ी कुल 73 सेवाओं को लाभ उठा सकेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कहना है कि हर बात में ममता जी कहती है होबे ना। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, हर बात में ममता जी कहती हैं होबे ना, सब कुछ होबे। उन्होंने कहा, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने चाहिए और जब भी चुनाव आएगा हम लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा करेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। गुजरात से बीजेपी सांसद रह चुके परेश रावल अर्जुन देव चरण की जगह लेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कहा, NSD परिवार लेजेंड का स्वागत करता है और अपने मार्गदर्शन में NSD को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तों चुकाने में छूट की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकाने में छूट की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाते हुए बैंक को निर्देश दिया है कि जो कर्ज 31 अगस्त तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं हुआ है उन्हें फंसा कर्ज घोषित नहीं करें। कोर्ट ने ब्याज माफी पर ठोस फैसले लेने के लिए केंद्र और RBI को 2 हफ्ते का समय दिया है। अर्थव्यवस्था को उबारने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका, वित्त मंत्री। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था को उबारने में बैंकों की उत्प्रेरक की होगी। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अर्थव्यवस्था को उबारने में उत्प्रेरक की भूमिका बैंक है। वे अपने ग्राहकों को हर नब्ज पहचानते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण बुधवार को सरकारी बैंकों की मिली जुली पहल PSB अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के उद्घाटन पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि बैंकों की अपने मूल काम का आत्ममंथन करने और कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। कांग्रेस नेता बोले, 12 करोड़ रोजगार देने थे, 14 करोड़ छीन लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने चंद मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा मोदी से अपने हक का रोजगार और उज्जवल भविष्य मांग रहा है, पर PM चुप है। युवाओं की समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अन्य ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया और GDP में ऐतिहासिक गिरावट आई। अब घर बैठे मिलेगी बैंक की सेवाएं, ये है सरकार की योजना। बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। असल में अब आपको बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आपको बैंकिंग सर्विस घर बैठे मिलेगी। इस सुविधा की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग की सुविधा के लिए सरकारी बैंक के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की। इसके आपको सरकारी बैंकों की बैंकिंग सेवाएं घर पर ही मिलेगी। उन्होंने PSB अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर पाने का आखिरी मौका। जानिए तारीख, डॉक्यूमेंट और उठाएं लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर केवल 30 सितंबर तक ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके बाद फ्री सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के में सरकार जनता को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करती है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस सुविधा का लाभ लेने की अवधि सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। अब नई अवधि बढ़ाने को लेकर अभी कुछ आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने का आखिरी मौका इसी महीना तक है। घोटाले के बाद PM किसान सम्मान निधि स्कीम पर सख्ती। ऐसे लोगों को खेती की जमीन होने पर भी नहीं मिलेगा फायदा। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की रकम देने वाली PM किसान सम्मान निधि योजना में 110 करोड़ रुपए के घोटाले का उजागर हुआ है। दरअसल तमिलनाडु में करीब 5 लाख लोग ऐसे थे जो गलत जानकारी देकर इस सुविधा का लाभ ले रहे थे। इस पूरे मामले को दिलचस्प बात यह है कि ऐसे भी तमाम लोग पाए जिनके नाम पर रकम ऐठी जा रही थी, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। दरअसल कुछ अधिकारियों ने कहा कि सरकार से कोरोना के तहत राहत दी जानी और यदि वह इस डिटेल देंगे तो उन्हें यह रकम मिल जाएगी। फ्री में सिलाई मशीन दे रही है सरकार, ऐसे आवेदन करके आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना का उद्यम किया गया है। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को स्वयं का बिजनेस शुरू करने के प्रेरित करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है। PM ने लॉन्च की मत्स्य संपदा योजना, जानिए इसकी खास बातें। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछली पालन के काम को लगे लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी है। PM ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना में करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत इसमें 5 साल
में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। इससे मछली का एक्सपोर्ट बढ़कर दोगुना यानी 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसानों के लिए व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप का भी लॉन्च किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।